खबर बुलेटिन में सबसे पहले बात मौसम के बदले मिजाज की। दरअसल प्रदेश भर में दोपहर के बाद से ही अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। कई स्थानों पर मौसम बदलने से बरसात और ओलावृष्टि हुई। सीकर के श्रीमाधोपुर के कंचनपुर इलाके में जोरदार ओले गिरे। करीब 15 मिनट तक ओले गिरने से सारी जमीन सफेद हो गई और इस मौसम के बदलने से किसानों के चेहरे का रंग भी बदल गया। नागौर के कुचामन में भी हिमाचल जैसी बर्फबारी का मंजर नजर आया। दरअसल यहां पर ओले गिरने से शादियों के सीजन में कई जगह टेंट भी धराशायी हो गए। किसानों की इसबगोल, प्याज, चना, जीरा, गेहूं सहित अन्य फसलें चौपट हो गई है। सीकर, कुचामन, बहरोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलवर के बहरोड की बात की जाए तो यहां पर भी ओले गिरने से किसान मायूस हो गए हैं। बारिश और ओलों के गिरने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अब किसान जो है अब लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उनके लिए अब चिंता बढ़ गई है। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीकर की तस्वीरें जरा देखिए, दोपहर के बाद ये राजस्थान की जमीन नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बर्फीले इलाके में आ गए हों, क्योंकि जिस तरीके से ओले गिरे जमीन पर एक सफेद चादर से बिछ गई, लेकिन इससे किसानों के चेहरे जो है वो खिलने के बजाय मायूस हो गए हैं। कुचामन में भी आप देख सकते हैं कि फसलें जो है बुरे तरीके से झुक गई हैं। ओले गिरने से किसान परेशान हो गए हैं। बहरोड में भी आप देख सकते हैं काफी देर तक बारिश हुई और ये ओले जब गिरे थे उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गर्मी से निजात तो मिली है, लेकिन किसान के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। तो अलवर के रामगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने से किसानों के चेहरे पर अब कोई इलाके में हुई बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। रविवार को रबी की खड़ी फसल पर ओलावृष्टि कहर बनकर बरसी। इस इलाके की कल्याणपुरा, जोरावर नगर, डेरावाली, कंचनपुर, जयरामपुरा, फतेहपुरा, ढालेवास गांव के किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। रबी में इस बार किसानों ने गेहूं, सरसों और चौ की खेती कर अच्छी पैदावार होने की उम्मीद की थी, लेकिन ओलावृष्टि ने किसानों के चेहरों पर अब चिंता ला दी है। फसलें खराब हो चुकी है। ओलावृष्टि के बाद उपखंड अधिकारी ब्रमला जाट, तहसीलदार सुमन ज्योति ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। नुकसान की रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेजी जाएगी। किसान महापंचायत के प्रदेश महामंत्री सुंदरलाल भामरिया ने फसलों में हुए नुकसान का सर्वेक्षण कर मुआवजे की मांग की है। आज दोपहर को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से मिले निर्देशानुसार ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मैं तहसीलदार, हम सभी और जनप्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंचे हैं। इंडिविजुअल ग्राम पंचायत वाइज और ग्राम वार सर्वे किया जा रहा है, जिसमें लगभग यहाँ कल्याणपुरा और कंचनपुर में सर्वाधिक नुकसान हुआ है। कंचनपुर में लगभग 80% गेहूँ की फसल हुई और नष्ट हुई है, साथ ही सरसों की लगभग 90% से अधिक खराब हुआ था। इसकी जल्द से जल्द सर्वे करवा कर नुकसान की रिपोर्ट भेजी है। अचानक ही ओला बरसों, खूब भारी नुकसान हो गया हमारे, जो चना सरसों सब भी नुकसान में हो गए। 90% 100% नुकसान हो गया साहब। पशुओं का भी नुकसान हो गया, ताड़ी बकरियां सबके चोटे लगे। तो इन किसानों के लिए थोड़ी राहत की खबर ये है कि प्रदेश में बदले मौसम को लेकर प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे ने सीकर और अलवर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में हुई इन ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर चिंता जताई। प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सर्वे करने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों और प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स को निर्देशित भी कर दिया है कि रबी की फसल को ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया जाए और रिपोर्ट जल्द से जल्द राज्य सरकार को भेजी जाए ताकि आगे की कार्रवाई जल्द हो पाए। इसी के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा